वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम हुक्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। हुक्स लॉ का स्टेटमेंट है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। कोई भी मटेरियल जिसमें स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो इसका मतलब वो मटेरियल हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ एजम्पशंस है हुक्स लॉ के। तो सबसे पहला एजम्पशंस है, जो मटीरियल है वो होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट एजम्पशन इज मटीरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक का मतलब मैंने लेक्चर नंबर 5 में बताया था, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सपोज ये मटेरियल है, अब इसके किसी भी पॉइंट पे किसी भी डायरेक्शन में जो इलास्टिक कांस्टेंट है, इलास्टिक कांस्टेंट मतलब यंग मॉडुलस, शियर मॉडुलस, पॉइजन रेशियो, बल्क मॉडुलस, इन सभी की वैल्यू क्या होगा, हर डायरेक्शन में सेम होगा। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका मतलब इस मटेरियल को हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक। ठीक है, तो पहला एजम्पशन क्या है हुक्स लॉ का, हुक्स लॉ कब ओबे होगा, जब मटेरियल होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक होना चाहिए। दूसरा, मटेरियल इलास्टिक होना चाहिए, मटेरियल इज इलास्टिक। अगर इलास्टिक मटेरियल है तो इसका मतलब मटेरियल डिफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ओनली डिफॉर्मेबल मटेरियल आर प्रेफर। ठीक है, रिजिड मटेरियल कंसीडर नहीं करना है, नो रिजिड मटेरियल इज कंसीडर। रिजिड मटेरियल पे हुक्स लॉ नहीं लगता, नो रिजिड मटेरियल इज कंसीडर्ड। ठीक है, ये इसी के अंदर आ गया। ठीक है, तो याद रखना रिजिड मटेरियल पे हुक्स लॉ भी नहीं होता है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट हो गया स्मूथ सरफेस, सरफेस स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, स्मूथ सरफेस का मतलब है देर इज नो स्ट्रेस कंसेंट्रेशन, मतलब कोई भी मटेरियल है अगर वो हुक्स लॉ ओबे कर रहा है तो उसका जो सरफेस है वो इस तरीके से देखो स्मूथ होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, स्ट्रेस कंसेंट्रेशन का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। देखो सपोज ये एक मटेरियल है इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पे देखो इस पॉइंट पे एरिया मिनिमम है। स्ट्रेस क्या होता है, लोड डिवाइड बाय एरिया। ठीक है, अब एरिया कम है तो स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर हम थोड़ा सा भी लोड लगाएंगे तो ये मटेरियल टूट जाएगा यहां से। ठीक है, तो मतलब यहां पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है। लेकिन इसी मटेरियल को अगर हम इस तरीके से बनाएंगे तो यहां पे देखो ये बिल्कुल स्मूथ मटेरियल है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम यही लोड यहां पे अप्लाई करेंगे तो ये मटेरियल नहीं टूटेगा। तो यहां पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन जीरो है, इसके अंदर स्ट्रेस कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है। ठीक है, तो याद रखना जो भी मटेरियल है उसके अंदर स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो सरफेस एरिया वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, स्मूथ सरफेस होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग लोडिंग। ठीक है, जब भी हम किसी भी मटेरियल पे लोड अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें टेम्परेचर का जो चेंज है वो जीरो होगा। ठीक है, तो ये कुछ assumptions थे हुक्स लॉ के। अब हुक्स लॉ की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। When a material is loaded within the elastic limit, किसी भी मटेरियल को जब हम इलास्टिक लिमिट तक लोड करते हैं तो उसमें जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, लेकिन ये सिर्फ प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही होता है। ठीक है, सपोज यहाँ पे देखो ग्राफ से समझते हैं इसको, स्ट्रेस। ठीक है, दिस इज स्ट्रेन, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन है, वाई एक्सिस पे स्ट्रेस है। ठीक है, हुक्स लॉ का मतलब क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और स्ट्रेन को एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब हम सिंबल हटाते हैं तो यहाँ पे ये ई आता है। ठीक है, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं इसको। ठीक है, ई रिप्रेजेंट कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, और इसको यंग मॉडुलस भी बोला जाता है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तीनों नाम है इसके। ठीक है, तो इसमें देखो ये जो रिलेशन है जो हुक्स लॉ का, ठीक है, ये y इज इक्वल टू एम एक्स इस तरीके से लग रहा है। ठीक है, लीनियर रिलेशन है, तो इसका मतलब क्या है, यहां पे इस तरीके से ग्राफ बनेगा हुक्स लॉ का। ठीक है, ये हुक्स लॉ है। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक लाइन है, ठीक है, जिसका एंगल है थीटा। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को कहते हैं
लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। और इलास्टिक लिमिट, इस इलास्टिक लिमिट इससे थोड़ा सा ऊपर होता है, ये होता है इलास्टिक लिमिट, ठीक है। इलास्टिक लिमिट तक जब भी हम लोड अप्लाई करते हैं और लोड रिमूव करते हैं, तो लोड रिमूव करने के बाद वापस से मटेरियल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। लेकिन जो हुक्स लॉ है वो सिर्फ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक ही वैलिड करता है, ये है नॉन लीनियर रीजन, ठीक है। और ये वाला है लीनियर, ठीक है। तो यहां पे ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो हुक्स लॉ याद रखना, हुक्स लॉ सिर्फ इस तरीके से, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, सिर्फ यही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, हुक्स लॉ को, ठीक है। व्हेन अ मटेरियल इज लोडेड विद इन द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेस अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट्स, ठीक है। तो ये था हमारा हुक्स लॉ। अब इसमें इस तरीके से, अब ये तो नॉर्मल स्ट्रेस था, वैसे टेंजेंशियल स्ट्रेस मतलब शेयर स्ट्रेस भी सेम होता है, शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन, ठीक है। और जब ये कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो यहाँ पे जी आता है, जिसको हम कहते हैं शेयर मॉडुलस, ठीक है। दिस इज शेयर मॉडुलस, जिसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं, ठीक है। अब ये यंग मॉडुलस क्या होता है उसको समझते हैं, यंग मॉडुलस शेयर मॉडुलस इनका मतलब क्या होता है। तो यहां पे देखो, यंग मॉडुलस इट मेजर द स्टीपनेस ऑफ द मटेरियल, इसका मतलब है यहां पे इसकी वैल्यू से समझते हैं। डायमंड का है, डायमंड का यंग मॉडुलस है 1200, ठीक है। टाइटेनियम कार्बाइड का है 345, स्टील का है 210, ठीक है। तो यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज 210 गीगा पास्कल, ठीक है। कॉपर का है 130, ठीक है। अब यहां पे रबर बैंड का देखो, रबर बैंड का है 0.02 गीगा पास्कल, ठीक है। तो यहां पे देखो यंग मॉडुलस की वैल्यू किसकी सबसे ज्यादा है, स्टील का या रबर का, ठीक है। बिकॉज देखो, अगर रबड़ और स्टील में तो सबसे पहले हमारे माइंड में रबड़ आता है, रबड़ सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन होगा, तो रबड़ होगा, ठीक है। बट ऐसा रॉन्ग है, ये यंग मॉडुलस की वैल्यू डिटरमाइन करती है कि कौन सबसे ज्यादा इलास्टिक होगा। तो जिसकी यंग मॉडुलस की वैल्यू सबसे ज्यादा होगा वो मटेरियल मोर इलास्टिक होगा, ठीक है। तो स्टील इज मोर इलास्टिक, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़। So, यहां पे नोट करके लिख लो, हायर द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस, ग्रेटर द स्टीफनेस ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो यहां से यंग मॉडुलस सिर्फ इतना इंडिकेट करता है, जितनी ज्यादा यंग मॉडुलस की वैल्यू होगी उतना ज्यादा जो मटेरियल हमारा वो स्टीफ होगा, स्टीफ का मतलब है हार्ड होगा। अगर हमें लोड अप्लाई करना है तो स्टील और कॉपर में से अगर दो मटेरियल हमारे सामने है तो हम स्टील को प्रेफर करेंगे, ठीक है। बिकॉज स्टील वो सस्टेन कर सकता है लोड को एज कम्पेयर टू कॉपर। कॉपर में क्या आएगा, डिफॉर्मेशन जल्दी प्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन स्टील में क्या होगा, डिफॉर्मेशन देर से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टील प्रेफर करेंगे बिकॉज स्टील इज मोर स्टीफर देन कॉपर, ठीक है। कैसे पता चला, यंग मॉडुलस की वैल्यू देख के पता चला, ठीक है। आप यहां पे देखो, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, ठीक है, दैट इज इक्वल टू यंग मॉडुलस ठीक है। अभी हमने देखा ये लीनियर जो हुक्स लॉ है वो लीनियर रिलेशनशिप फॉलो करता है, ठीक है। दिस इज स्ट्रेस एंड दिस इज स्ट्रेन, ठीक है। तो इसका जो स्लोप है वो कैसे आएगा, दैट इज स्लोप, स्लोप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व is determined by यंग मॉडुलस, ठीक है। बिकॉज स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉडुलस एंड स्ट्रेन, ठीक है। वाई इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। तो एम क्या है, स्लोप है, तो स्लोप कैसे आ रहा है, स्लोप यंग मॉडुलस की वैल्यू से आ रहा है, ठीक है। अगर इसी में देखो इस तरीके से, एक मटेरियल ये है ए मटेरियल एंड दिस इज बी मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे वाई एक्सिस पे स्ट्रेस है और एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन है,
ठीक है, तो विच इज मोर इलास्टिक, ए और बी, इनमें से कौन सा इलास्टिक है? तो यहाँ पे स्लोप देखो, स्लोप किसका बड़ा है, ए का स्लोप ज्यादा है और बी का स्लोप कम है, दिस इज थीटा वन एंड दिस इज थीटा टू, ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी, ठीक है, सो मटीरियल ए इज मोर इलास्टिक, ठीक है, यंग मॉडुलस ए का ग्रेटर देन होगा एज कंपेयर टू बी, ठीक है। लेकिन देखो अगर दोनों मटेरियल के अंदर अगर हम सेम लोड अप्लाई करें तो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा ए के अंदर एप्सिलॉन वन और बी के अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा एप्सिलॉन टू, ठीक है, दोनों में हमने सेम लोड अप्लाई किया है, लेकिन यहाँ पे जो मटेरियल है इन दोनों का डिफरेंट है, ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दोनों का सेम है, ठीक है, लेकिन जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है बी के अंदर वो मैक्सिमम है एज कंपेयर टू वन, ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, जिसका यंग मॉडुलस सबसे ज्यादा होगा उसके अंदर स्ट्रेन मिनिमम प्रोड्यूस होगा, ठीक है, यहां से नोट करके लिखते हैं, हायर द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस, हायर द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस द मटीरियल इज मोर रिजिड, द मटीरियल इज मोर रिजिड एंड लेस डिफॉर्म, ठीक है, तो जिसका जितना ज्यादा यंग मॉडुलस होगा उसमें स्ट्रेन मिनिमम प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट फॉर रिजिड मटेरियल के देखो, रिजिड मटेरियल के लिए यंग मॉडुलस की वैल्यू कितना होता है, फॉर रिजिड मटेरियल का मतलब है डिफॉर्मेशन जीरो, रिजिड मटेरियल के अंदर डिफॉर्मेशन जीरो होता है, ठीक है, तो स्ट्रेन कितना हो गया, स्ट्रेन डिफॉर्मेशन मेजर करता है, ठीक है, तो स्ट्रेन ही जीरो हो गया, तो यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन जीरो हो गया तो यहां पे स्ट्रेस डिवाइड बाय जीरो, ये हो गया इनफाइनाइट, ठीक है, फॉर रिजिड मटेरियल द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस इज इनफाइनाइट, ठीक है, इसका कर्व देखो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे बनेगा, स्ट्रेस एंड दिस इज स्ट्रेन, तो यहां पे ये हो गया इस तरीके से, ठीक है, ये रिजिड मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, फॉर रिजिड मटेरियल में स्ट्रेन जीरो होता है, ठीक है, तो बस इतना याद रखना है, यंग मॉडुलस फॉर रिजिड मटेरियल इज इनफाइनाइट। नेक्स्ट आप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर वन, इन अ सिंपल टेंशन टेस्ट हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू, एसरेशन रीजन का क्वेश्चन है, एसरेशन रीड करते हैं, हुक्स लॉ इज द कंस्टिट्यूटिव लॉ फॉर द लीनियर इलास्टिक मटीरियल, हुक्स लॉ लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो करता है, तो ये ओबे करता है सिर्फ लीनियर इलास्टिक मटीरियल को, ठीक है, तो एसरेशन बिल्कुल करेक्ट है, रीजन पढ़ते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी रिक्वायर द हाइपोथेसिस दैट देयर एग्जिस्ट अ यूनिक अनस्ट्रेस्ड स्टेट ऑफ द बॉडी टू विच द बॉडी रिटर्न व्हेनेवर ऑल द फोर्सेस आर रिमूव, किसी भी बॉडी में से जब हम सारे फोर्सेस को रिमूव कर देते हैं तो वो बॉडी अनस्ट्रेस्ड स्टेट पे आ जाता है, ठीक है, यही है हमारा किसका थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, और हुक्स लॉ भी इलास्टिक रीजन में ही वैलिड होता है, ठीक है, तो एसरेशन और रीजन बोथ दोनों ही करेक्ट है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरेशन, तो ए ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इज सर्कुलर एंड इफ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल डिक्रीज टू हाफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू ड्यू टू द स्ट्रेच ऑफ द वायर बाय लोड देन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द वायर बी, वायर का क्रॉस सेक्शन है सर्कुलर, ठीक है, इसका जो रेडियस है यहाँ पे हम इसके अंदर लोड अप्लाई कर रहे हैं जिसके कारण से ये स्ट्रेच हो रहा है, जिससे इसका जो रेडियस है फाइनल रेडियस इज द हाफ ऑफ द ओरिजिनल रेडियस, ठीक है, तो यंग मॉडुलस की वैल्यू में क्या अफेक्ट पड़ेगा वो बताना है, ठीक है, देखो यंग मॉडुलस जो होता है ये प्रॉपर्टी होता है मटीरियल का, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल, ठीक है, ये एक मटीरियल की प्रॉपर्टी है जो इलास्टिसिटी रिप्रेजेंट करता है किसी भी मटीरियल का, ठीक है, तो इसमें एरिया बढ़ाए चाहे डिक्रीज करे तो जो यंग मॉडुलस की वैल्यू है उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तो थर्ड का आंसर है डी, ठीक है, याद रखना यंग मॉडुलस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज हाईली इलास्टिक, रबड़ ब्रास स्टील ग्लास, तो अभी हमने टेबल देखा था, स्टील इज मोर इलास्टिक देन ब्रास, ठीक है, उसके बाद आएगा ग्लास और उसके बाद रबड़, ठीक है, रबड़ लीस्ट इलास्टिक है, ठीक है, तो स्टील का इलास्टिक सबसे ज्यादा होता है, स्टील में इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, अ टेंशन मेंबर ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ अ साइड 10 mm एंड यंग मॉडुलस इज ई इज टू बी रिप्लेस बाय अनदर मेंबर ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन
ऑफ द सेम लेंथ बट यंग मॉडुलस ई बाई टू। एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का मेंबर है जिसका साइड दे रखा है 10 मिलीमीटर, जिसमें यंग मॉडुलस दे रखा है इसका ई। ठीक है, ये पहला मेंबर है। अब इसको रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, सेम स्क्वायर सेक्शन मेंबर से ही, उसका भी लेंथ सेम है, दोनों का लेंथ सेम है। इसको 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, L1 इज इक्वल टू L2, बट इसका जो यंग मॉडुलस है ये हाफ हो गया पहले वाले से। ठीक है, इसका साइड, द साइड ऑफ द स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, ये है साइड S। ठीक है, ये भी स्क्वायर शेप का है और ये भी स्क्वायर शेप का है। ठीक है, रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सेम इलोंगेशन अंडर द सेम लोड, दोनों पे हमने लोड अप्लाई किया है, दोनों पे सेम अमाउंट का लोड अप्लाई किया है। ठीक है, सेम अमाउंट का लोड अप्लाई किया है जिससे इन दोनों में इलोंगेशन है वो भी सेम प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले इलोंगेशन की वैल्यू देखो, यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस होता है लोड डिवाइड बाय एरिया, स्ट्रेन होता है डिफ्लेक्शन डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो डेल्टा एल आ गया यहाँ से, पी डिवाइड बाय ए, दिस इज एल, और ये हो गया यंग मॉडुलस। ठीक है, दोनों के अंदर सेम इलोंगेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो डेल्टा एल वन इज इक्वल टू डेल्टा एल टू। ठीक है, लोड लेंथ एरिया वन यंग मॉडुलस, ठीक है, दिस इज ए टू एंड ई टू। ठीक है, दोनों में सेम लोड अप्लाई हो रहा है तो पी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, लेंथ भी दोनों का सेम है तो एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ए टू ई टू इज इक्वल टू ए वन ई वन। ठीक है, एरिया टू, यहाँ पे स्क्वायर है और इसका साइड है एस, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इन टू साइड, यंग मॉडुलस ई डिवाइड बाई टू है, एरिया वन 10 मिलीमीटर दे रखा है, तो साइड इन टू साइड। ठीक है, यंग मॉडुलस इसका ई है, ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, एस स्क्वायर इज इक्वल टू 200। ठीक है, एस इज इक्वल टू अंडर रूट 200। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 14 mm के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका यंग मॉडुलस हाफ हो गया, तो इस और इलोंगेशन भी दोनों के अंदर सेम प्रोड्यूस तभी होगा जब इसका ये जो स्क्वायर मेंबर है इसका साइड होना चाहिए 14 mm। ठीक है, तो फिफ्थ का ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉपर रॉड 400 mm लॉन्ग इज पुल इन अ टेंशन टू अ लेंथ ऑफ 401.2 mm बाय अप्लाइंग अ टेंसाइल स्ट्रेस। एक कॉपर रॉड है जिसका लेंथ दे रखा है 400 mm। ठीक है, इस पे हम टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहे हैं जिसकी वैल्यू है 330 MPa। ठीक है, स्ट्रेस इसके अंदर अप्लाई हो रहा है जिससे इसका जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गया है, टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है इसके अंदर, तो इसका लेंथ इंक्रीज होगा। इंक्रीज लोड लगने के बाद इसका लेंथ हो गया 401.2 mm। ठीक है, इफ द डिफॉर्मेशन इज इंटायरली इलास्टिक द यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर इज, यंग मॉडुलस निकालना है, स्ट्रेस है 330। ठीक है, स्ट्रेन है इसका 401.2 माइनस 400 डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ है इसका 400। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 110 × 10⁻¹। ठीक है, तो ये हो गया 110 GPa। ठीक है, तो 6 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू हैव द लीस्ट वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इनमें से किसका यंग मॉडुलस की वैल्यू सबसे कम होगा वो बताना है। चार ऑप्शन है, वुड, कॉपर, ग्लास, एल्युमिनियम। तो देखो यंग मॉडुलस की वैल्यू कैसे पता लगाएंगे, तो देखो इन सभी मटेरियल पे जब हम लोड अप्लाई करेंगे तो जिसमें सबसे पहले डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उसका मतलब वो मटेरियल, उस मटेरियल के अंदर जो यंग मॉडुलस है उसका वैल्यू सबसे कम आएगा। ठीक है, तो वुड, कॉपर, ग्लास, एल्युमिनियम, इनमें से सबसे पहले डिफॉर्मेशन वुड के अंदर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यंग मॉडुलस वुड का सबसे मिनिमम होगा, तो 7th का ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एवरी मटेरियल ओबे हुक्स लॉ विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, हुक्स लॉ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक वैलिड होता है। ठीक है, तो 8th का सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय शियर स्ट्रेन, बल्क मॉडुलस होता है नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो 9th का ए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, अ लीनियर फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशन इज ऑब्टेन इन मटेरियल। लीनियर फोर्स डिफॉर्मेशन, फोर्स और डिफॉर्मेशन में दोनों में लीनियर रिलेशनशिप है, तो इसका मतलब ये ओबे कर रहा है हुक्स लॉ को। ठीक है, तो 10th का सी हो गया। सो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो सिंपल आप इस वेबसाइट पे जाके इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आई बटन पे क्लिक करके भी इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।